आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हमारा भारत शिक्षा की दृष्टि से सबसे आगे रहा है हमेशा। न जाने कितने गुरुकुल यहां पर हुए हैं, पर आज भारत के 7,32,000 गुरुकुल कहां गायब हो गए ये पता भी नहीं चला। भारत में विज्ञान पर इतना शोध किस प्रकार होता था, तो इसके मूल में है भारतीयों की जिज्ञासा और तार्किक क्षमता, जो अति प्राचीन उत्कृष्ट शिक्षा तंत्र और आध्यात्मिक मूल्यों की देन है। गुरुकुल के बारे में बहुत से लोगों को भ्रम है कि वहां केवल संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, जो कि गलत है। भारत में विज्ञान की 20 से अधिक शाखाएं रही थी जो बहुत पुष्पित पल्लवित रही हैं। उनमें जो प्रमुख है वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब आज जो गायब हुए हैं जो गुरुकुल, उसमें मैक्सिमम जो गुरुकुल थे वो थे बिहार में, उड़ीसा में, पूर्व और पश्चिम बंगाल में, आसाम में, और फिर ऊपर के जो जितने 7 प्रदेश हैं उन सब जगह पे गुरुकुल हुआ करते थे। और उसमें 80,000 से अधिक गुरुकुल हैं जो कि कई सहस्त्र वर्षों से निर्बाधित रूप से आज भी चल रहे हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के आंकड़ों के कुल पर औसत निकालने से ज्ञात होता है कि भारत में 18वीं शताब्दी तक 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल था। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 18 शताब्दी में भारत की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ थी। 300 व्यक्तियों पर न्यूनतम एक गुरुकुल के अनुसार भारत में 7,32,000 गुरुकुल होने चाहिए। अब रोचक बात यह है कि अंग्रेज प्रत्येक 10 वर्ष में भारत का सर्वेक्षण करवाते थे, तो उसके अनुसार 1822 के लगभग भारत में कुल गांवों की संख्या भी लगभग 7,32,000 थी, अर्थात प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल। तो 16 से 17 वर्ष भारत में प्रवास करने वाले शिक्षा शास्त्री लुडुल ने भी 18वीं शताब्दी में लिखा कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें गुरुकुल नहीं है, एवं एक भी बालक ऐसा नहीं है जो गुरुकुल नहीं जाता है। तो हम शिक्षा के मामले बहुत आगे थे। हम खगोल शास्त्र, इन सब के हमारे पास वैज्ञानिक शाखाएं थी। नक्षत्र शास्त्र, बर्फ बनाने का विज्ञान, धातु शास्त्र, रसायन शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, नौका शास्त्र, यंत्र विज्ञान, इसके अतिरिक्त युद्ध शिक्षा आदि कलाएं भी प्रचुरता में रही। संस्कृत भाषा मुख्यतः माध्यम के रूप में उपनिषद और वेद छात्रों के उच्च चरित्र और संस्कार निर्माण हेतु पढ़ाया जाता था। थॉमस मुनरो सन 1813 के आसपास मद्रास प्रांत के राज्यपाल थे। उन्होंने अपने कार्य विवरण में लिखा था कि मद्रास प्रांत में 400 लोगों पर न्यूनतम एक गुरुकुल है, जो रिसर्च 300 गुरुकुल बताता है। उत्तर भारत, मतलब आज का पूर्ण पाकिस्तान, पूर्ण पंजाब, पूर्ण हरियाणा, पूर्ण जम्मू कश्मीर, पूर्ण हिमाचल प्रदेश और पूर्ण उत्तर प्रदेश और पूर्ण उत्तराखंड, उसके सर्वेक्षण के आधार पर G.W. निटेन ने सन 1822 में लिखा कि उत्तर भारत में 200 लोगों पर न्यूनतम एक गुरुकुल है। तो गुरुकुल का यहाँ पे मतलब भरमार था, लोग शिक्षित हुआ करते थे। भारत के बंगाल प्रांत में 80,000 से अधिक गुरुकुल हैं, मतलब 80,000 से अधिक गुरुकुल हैं जो कि कई सहस्त्र वर्षों से निर्बाधित रूप से चल रहे हैं। पर वो सारे गुरुकुल कहाँ गए? कहाँ है वो गुरुकुल जहां पे इतने बच्चों को पढ़ाए जाते थे? राजा की सहायता पितु समाज से पोषित इन्हीं गुरुकुलों के कारण 18 शताब्दी तक भारत में साक्षरता 17% थी। बालक के 5 वर्ष 5 माह 5 दिवस के होते ही उसका गुरुकुल में प्रवेश हुआ करता था। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक विद्या अर्चन का क्रम 14 वर्ष तक चलता था। जब बालक सभी वर्गों के बालकों के साथ निःशुल्क 20 से अधिक विषयों का अध्ययन कर गुरुकुल से निकलता था, तब आत्मनिर्भर देश और समाज हेतु सक्षम हो पाता था। इसके उपरांत
विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु भारत के विभिन्न विषयों वाले जैसे कि शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, धातु कर्म आदि के विश्वविद्यालय थे। नालंदा और तक्षशिला तो 2000 वर्ष पूर्व के हैं, परंतु मात्र 150-170 वर्ष पूर्व भारत में 500-525 के लगभग विश्वविद्यालय थे। तो अब सोचिए हम शिक्षा के मामले में कितना आगे थे, हमारी संस्कृति कितनी आगे थी। और इन्हीं सब के कारण इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर समस्त गुरुकुल बंद करवाए गए। हमारे शासन एवं शिक्षा तंत्र को इसी लक्ष्य से निर्मित किया गया ताकि नकारात्मक विचार, हीनता की भावना, जो विदेशी है वो अच्छा, बिना तर्क किए रटने के बीज यदि बचपन से ही बाल मन के घर कर ले और अंग्रेजों को प्रति व्यक्ति संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता का नाश का परिश्रम नहीं करना पड़े। तो देखा जाए तो बहुत ही दूर की सोचा था अंग्रेजों ने, बहुत ही दूर की सोच थी। आज हम रटते हैं, जब पढ़ाया जाता है तो हम रटते हैं। क्यों रटते हैं? क्योंकि उन्होंने ये शुरू किया। अंग्रेजों पहले के आक्रांताओं अर्थात यवनों, मुगलों आदि भारत के राजाओं, संपदाओं और धर्म का नाश करने की जो भूल की है उससे पुण्य मूल भारत कदापि पद दलित नहीं किया जा सकेगा, अपितु संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता का नाश करें तो इन्हें पराधीन करने का हेतु सिद्ध हो सकता है, जो उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत किया। उस पर से अंग्रेजी कदाचित शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होती तो इसको चक्र के पहले अंकुर माता पिता ही पल्लवित होने से रोक लेते, परंतु ऐसा नहीं हो सका। हमारे निर्यात कारखाने एवं उत्पाद की कमर तोड़ने हेतु भारत के स्वदेशी वस्तुओं पर अधिकतम कर देना पड़ता था और अंग्रेजी वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया गया था। तो हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हर तरफ से। जब भारत में प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था तो 97% साक्षरता थी, तब इंग्लैंड के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला। तो क्या पहले वहां विद्यालय नहीं होते थे? होते थे, परंतु महलों के भीतर। वहां ऐसी मान्यता थी कि शिक्षा केवल राजकीय व्यक्ति को ही देना चाहिए, बाकी सबको तो सेवा करनी है। तो ये मेंटल लेवल चलता था। तो चलिए, धन्यवाद आप सबका, हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।